हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFS। अगर आप लोग IIT एग्जाम 25 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आप सबको पता है कि किसी भी एग्जाम को, स्पेशली अगर आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हो, तो उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और वो भी कैसे क्वेश्चन, एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जो बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो आज के सेशन में आप लोगों को बताऊंगा कि IIT एग्जाम 25 के लिए आखिर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, वो भी एग्जाम लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, प्ले स्टोर से आप IFS का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते वक्त आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, तो आपको एग्जाम IIT एग्जाम मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैथ्स सब्जेक्ट की बात करूँ तो आपको 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो IFS ऐप में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए। रजिस्टर करते वक्त आपको एग्जाम IIT एग्जाम मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए IIT एग्जाम में मैं आ जाता हूँ। इसमें हम आते हैं मैथमेटिक्स में। तो जैसे कि मैंने कह रहा था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हो, तो आपको कहाँ पर जाना है, आप आ जाइए लर्न फ्री वाले सेक्शन में। जब आप लर्न फ्री में आएंगे तो आप किस में आना है, ऑनलाइन टेस्ट में। ऑनलाइन टेस्ट में देखिए प्रैक्टिस टेस्ट दिया गया है, तो इस पर टॉपिक वाइज टेस्ट देखिए। ग्रुप थियरी का एक टेस्ट है, रियल के 8 हैं, डिफरेंशियल के 1 है, लीनियर के 3 हैं, इंटीग्रल का 1 टेस्ट है, और उसके साथ साथ PYQ टेस्ट है। PYQ टेस्ट में एक्चुअली देखिए, PYQ टेस्ट पर अगर मैं क्लिक करूँ तो आ जाइए, फिर से क्लिक करता हूँ, 2024, 23, 22, 21, मतलब पिछले 4 साल के जो पेपर है ना, हमने यहाँ पर बिल्कुल जैसे आप लोगों का IIT एग्जाम का ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता है, बिल्कुल उसी तरीके से उसी फॉर्मेट में हमने यहाँ पर अपलोड कर रखा है। तो आप इसे क्लिक करके दे सकते हैं। तो 60 क्वेश्चन होंगे, 180 मिनट का होगा, बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न का होगा। जैसे कि चलो एक बार हमें देखना है तो देख लेता हूँ मैं स्टार्ट करके। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट पर क्लिक कर दिया। देखिए जब आप लोग ऑनलाइन एग्जाम देने जाएंगे यही सारे सिंबल वहाँ पर आपको दिखेंगे, बिल्कुल एकदम एग्जाम के पैटर्न का ही है। एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। देखिए अब आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया, आपको 180 मिनट मिलेंगे, देखिए ठीक है। आप जिस सेक्शन, अभी देखिए फिलहाल हम लोग सेक्शन ए में है, जिस भी क्वेश्चन पर आपको जाना है उसे आप क्लिक कर दीजिए, वहाँ पर जाइए। तो इस टेस्ट में आप लोग क्या करिए, पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। और देखिए आप लोगों को कितने मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं, ये बिल्कुल आप लोगों का IIT एग्जाम के पैटर्न, मतलब अगर 2024 एग्जाम का एग्जाम आप लोगों ने दिया होता तो आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, अगर ये जानना है तो बिल्कुल आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 23 का एग्जाम देते तो कितने मार्क्स मिलता तो भी यहाँ से आपको पता चल जाएगा। और उसके साथ साथ अगर और भी क्वेश्चन की आप लोगों को प्रैक्टिस करना है तो आप आ जाएंगे टेस्ट, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन टेस्ट में ही है, ऑनलाइन टेस्ट में आप स्कॉलरशिप टेस्ट पर आ जाइए। तो देखिए day 1, day 2, day 3, 4, 5 ऐसे आपको 100 days तक मिलेगा, मतलब 100 से ज़्यादा टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप इन टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारे बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ मान लीजिए अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है तो आप, चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये प्रीवियस लर्न, यहाँ पर मैथमेटिक्स में जाना है कोर्स में, लर्न फ्री में आप यहाँ पर आ जाइए। देखिए नीचे लर्न फ्री के नीचे आपको दिखेगा प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए 2005 से लेकर 2024 तक के सारे IIT एग्जाम के पेपर आपको एक जगह मिल जाएंगे, इससे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये तो सिर्फ जैम वाले सेक्शन की बात हुई, सिमिलरली CUT वाले सेक्शन में जा सकते हैं आप, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेट के सेक्शन में जाकर CSIR नेट, जैसे कि मान लीजिए मैं अब यहाँ से ना जस्ट अपना ऑनलाइन प्रोग्राम में आ जाता हूँ, जैसे कि और क्वेश्चंस की अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो CSIR नेट में आ गया, मैथमेटिक्स में आ गया। देखिए अब जैसे CSIR नेट के लर्न फ्री वाले सेक्शन में ऑनलाइन टेस्ट में जाएंगे, यहाँ पर भी आपको टेस्ट रियल एनालिसिस लीनियर अलजेब्रा तो यहाँ पर भी पूछा जाता है, और उसके साथ साथ PYQ टेस्ट भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर 3 PYQ है, तो इसमें से आप क्या करेंगे, रियल लीनियर ग्रुप थियरी जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो सारा CSIR में पूछा जाता है, एक्सेप्ट इंटीग्रल कैलकुलस। तो यहाँ से भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें भी सॉल्व करते सकते हैं। अगर आपका एग्जाम का हो जाए तो CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो, सिमिलरली आप CUT के डाउनलोड कर सकते हो, गेट के डाउनलोड कर सकते हो, NBHM के डाउनलोड कर सकते हो, मतलब अगर आप IIT एग्जाम 25 के एग्जाम में अच्छी रैंक लाना चाहते हैं तो
तो IFS कैप में आपको 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो एग्ज़ाम में लगभग 3 महीने का समय है, तो एग्ज़ाम तक 3 महीने में ना आप IFS कैप में जितने क्वेश्चंस हैं सिर्फ उतने क्वेश्चन को ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ये भी आपके लिए ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब आप लोगों को यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप क्या करिए, प्ले स्टोर से IFS कैप डाउनलोड कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते वक्त एग्ज़ाम पूछा जाएगा तो आपको एग्ज़ाम क्या सेलेक्ट करना है, IIT एग्जाम मैथमेटिक्स। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू सो मच।